असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आर आई एम योर मेटोर हसनैन अब्बास और हम कर रहे थे एस एन सी मैथमेटिक्स क्लास एट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री हमने इसके पहले दस क्वेश्चन कर लिए क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखें क्या कहा जा रहा है आपसे वट इज़ द दारियम आफा ट्राई एंगुलर पैरामिड हुज बेस एरिया इज दिस एंड द हाइट इज फोर इंचज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन देखें आपको पता है कि आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है वारी माफा ट्राई एंगुलर पैरामिड तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ मल बेस मतलब बेस एरिया ठीक है मल्टीप्लाई वन ओवर थ्री और मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड तो देखें हमारे पास क्या गिवन है आपके पास गिवन है बेस एरिया इज नाइन्टी टू इंच स्क्वेयर एंड हाइट इज़ फोर इंच बेस एरिया आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर एलेवन बेस एरिया इज नाइन्टी टू इंच स्क्वेयर आपको मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जो एरिया होता है उसका हमेशा क्या लगाते हैं यूनिट का स्क्वायर ठीक है स्क्वेयर यूनिट्स लिखते हैं ना वॉल्यूम के लिए क्यूबिक लिखते हैं तो यहाँ पे इसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा और उसके बाद क्या गिवन है हाइट कितनी गिवन है हाइट ऑफ पैरामिड फोर इंचज आपने क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड ये क्या हमने करना है फाइंड करना है फार्मूला आपके पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट स्लेंट हाइट और वो क्या हो? उसको हम लिख सकते हैं एस लिख सकते हैं ठीक है ठीके? ये जो हमारे पास हाइट है स्लेंट हाइट है इसको हम एस भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे देखें वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बेस एरिया आपके पास कितना गिवन है नाइन्टी टू मल्टीप्लाई हाइट आपके पास क्या गिवन है फोर इंचेस तो नाइन्टी टू मल्टीप्लाई फोर आपके पास नाइन्टी टू क्या होता है वन एटी फोर और वन एटी फोर को टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है थ्री सिक्सटी एट और ओवर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है आप इसको होल नंबर में भी कन्वर्ट करना चाहें जब पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो, कर तो कर सकते हैं ये आपका क्या आ गया थ्री सिक्सटी एट ओवर थ्री इंच और अब यहाँ पे देखें हमने क्या फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ पैरामिड तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिट आपके पास इसका जो यूनिट है वो क्या आएगा इंच क्यूब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टैटरा हेडन टेटरा हेडन मीन जिसके चार कोने होते हैं हुज बेस एरिया इज दिस एंड हाइट इज दिस अब ये देखें कि अब ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स आ गई हैं या एप्लीकेशन आ गई हैं तो इसमें हमने पहले पैरामिड अब टैटरा हेडन भी एक पैरामिड टाइप की होता है ना जिसके फोर कॉर्नर्स होते हैं तो हमने इसका जो है आपने क्या फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है ठीक है आपने क्या फ़ाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टैटरा हेटन ये हमने करना है फाइंड और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है तो इसमें देखें बेस एरिया कितना गिवन है बेस एरिया आपके पास गिवन है फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वेर एंड हाइट हाइट आपके पास क्या गिवन है हाइट गिवन है सिक्स सेंटीमीटर तो जैसे हम वॉल्यूम ऑफ पैरामीट फाइंड करते हैं वैसे वॉलीम ऑफ टैटराड्रन भी फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैटरा हेडरन क्या होगा आपके पास वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट ठीक है बेस का मतलब क्या है बेस एरिया और हाइट कौन सी हाइट है स्लेंट हाइट है जो कि क्या है इस टैटरा हेडरन की तो वन ओवर थ्री बेस एरिया आपको क्या गिवन है बेस एरिया सॉरी यहाँ पे ए लगाएंगे और इधर भी ए लगा देते हैं बेस एरिया क्या गिवन है आपके पास फिफ्टीन और हाइट कितनी गिवन है सिक्स थ्री फाइव टाइम फिफ्टीन एंड फाइव मल्टीप्लाई सिक्स आपके पास क्या होता है थर्टी और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर जो भी आपके पास यूनिट हो यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है तो ये क्या आएगा थर्टी क्यूबिक सेंटीमीटर नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन भी सिमिलर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अगजागॉन बेस पैरामिड विद बेस एरिया दिस एंड हाइट इज एट सेंटीमीटर तो हम इसको भी लिख लेते हैं आपने क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर है आपके पास थर्टीन आपने फाइंड करना है वॉलीम ऑफ हेग्जागान वॉली ऑफ हेगागान फाइंड करना है तो इसमें देखिए आपके पास बेस एरिया क्या गिवन है बेस एरिया आपके पास गिवन है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो हाइट है आपके पास स्लेंट हाइट वो कितनी गिवन है हाइट आपके पास इसकी गिवन है एट सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन का फार्मूला क्या होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन फार्मूला होता है आपके पास वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बेस एरिया एंड मल्टीप्लाई स्टैंड हाइट एस वन ओवर थ्री बेस एरिया आपके पास क्या गिवन है ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई क्या है आपके पास एट और ये आपके पास क्या आता है ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई एट क्या होता है वन एटी फोर ओवर थ्री और वन एटी फोर को अगर हम किस में कन्वर्ट करें आ, मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्सटी वन होल वन ओवर टू सेंटीमीटर और क्योंकि हम क्या फ़ाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो अगेन ये यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे द हाइट ऑफ ग्रेट पैरामिड इन इजिप्ट इज इजिप्ट में जिन्हें हम आराम मिसर के नाम से भी जानते हैं ना तो उसकी हाइट कितनी है आपके पास वन सिक्सटी फोर्टी सिक्स मीटर है एंड द बेस इज अ अकेर ऑफ दिस साइड और जो बेस है उसकी एक साइड आपके पास टू ट्वेंटी नाइन मीटर है तो अगर हमें बेस एरिया फाइंड करना होगा तो हमें क्या फाइन हमें क्या लेना पड़ेगा टू ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ पैरामीट हमने क्या करना है फाइंड करना है ठीक है तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास फोर्टीन और हमें क्या गिवन है आपके पास हाइट जो स्लैंट हाइट है या हाइट इसे हम जस्ट एस बोल देते हैं तो ये आपके पास क्या है वन फोर्टी सिक्स मीटर ठीक है और इसके बाद बेस की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास टू ट्वेंटी टू नाइन मीटर फार्मूला आपके पास क्या होता है ये आपने फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड ये हमने फाइंड करना है इसका फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बेस एरिया एंड मल्टीप्लाई आपके पास क्या होता है हाइट एस ठीक है अब बेस एरिया नहीं गिवन आपके पास आपके पास स्क्वायर की एक साइड गिवन है उसने बताया ना कि ये इसकी क्या है आपके पास यहाँ पे देखिए एंड द बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड और जो बेस है वो इस साइड की क्या है स्केयर है तो अब बेस एरिया क्या आएगा आपके पास 229 मल्टीप्लाई एंड हाइट एस आपके पास कितनी गिवन है 146 ठीक है तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 229 ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन ये मेरे पास आएगा सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री एट सिक्स और बटे में आपके पास क्या है थ्री है तो इसको आप अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा टू फाइव फाइव टू वन टू एट पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन था मीटर गिवन था तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे मीटर लिखेंगे और वॉल्यूम की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा क्यूब आएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में क्या कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में कहा जा रहा है द पैरामिड शोन इन फिगर हैज़ अ रेक्टेंगल बेस रेक्टेंगल बेस है मीन इसकी आपके पास हाँ, जो होती है लेंथ और विथ अलग अलग होगी इट्स वालीम इज दिस फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट पहले हम वालीम फाइंड करते हैं अब इसमें हमारे पास हाइट क्या है ये गिवन नहीं है वालीम गिवन है तो हमें क्या फ़ाइंड करना है हाइट फाइंड करना है और फिगर में देख लेते हैं इसकी आपके पास जो लेंथ है वो टेन मीटर है और जो विथ है वो क्या आपके पास सिक्स सेंटीमीटर है ठीक है टेन सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर तो आपके पास देखिए हमने फ़ाइंड क्या करना है हाइट फाइंड करनी है इट ऑफ पैरामिड ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है और आपके पास फार्मूला क्या होता है फार्मूला तो वही हम यूज करेंगे ना वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू वन ओवर थ्री और आगे क्या आता है आपके पास बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट वर्टिकल हाइट अब इसमें डेटा में गिवन है आपके पास क्या गिवन है वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब तो यहाँ पे क्या आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो नहीं लिखते वन ओवर थ्री बेस एरिया आप देखें बेस एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई विथ तो वो क्या होगा टेन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई जो हमने फाइंड करना है वो क्या है हाइट फाइंड करनी है और इसको अब मैं क्या लिख देता हूँ जस्ट एस लिख देता हूँ क्योंकि ये स्लैंट हाइट होती है तो अब देखिए यहाँ पे हंड्रेड इज़ इक्ल टू ये यहाँ पे थ्री क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो इसको हम कट कर देते हैं ठीक है इधर ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे थ्री टू टाइम सिक्स होता है एंड टेन मल्टीप्लाई टू क्या आता है ट्वेंटी एस और हंड्रेड ट्वेंटी यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है एस से तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं बहुत साइड्स पे इधर से ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा तो एस अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा हंड्रेड ओवर ट्वेंटी आपके पास क्या होता है फाइव और देखिए आपके पास क्या ये यूनिट किस में गिवन था सेंटीमीटर में तो एस क्या आ जाएगा फाइव सेंटीमीटर क्योंकि ये एक हाइट है ना सिंगल साइड सिंगल डायमेंशनल है एरिया होता तो हम स्के लगाते वॉल्यूम होता तो हम क्यूब लगाते अब ये जस्ट आपके पास एक साइड है तो हमने क्या लगाया सेंटीमीटर लगा दिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए आपके पास क्या है अ पैरामीड विद द ट्राई एंगुलर बेस एज अ वॉल्यूम ऑफ दिस इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइ एंगल आर फाइव सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पैरामिड तो इसमें हम पहले डाटा लिख लेते हैं क्योंकि डाटा ज्यादा है आपके पास क्या है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड पैरामिड कौन सी है ट्राई एंगुलर पैरामिड वाल्यूम ऑफ ट्राई एंगुलर पैरामिड आपके पास क्या है 50 सेंटीमीटर क्यूब इफ द बेस एंड हाइट बेस आपके पास कितनी गिवन है बेस आफ्टल फाइव सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी गिवन है आपके पास हाइट गिवन है एट सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द पैरामिड हमने ये ये ट्राइंगर जो बेस है ना उसकी हाइट है ठीक है ट्राइंगल है ना जो हमने फाइंड करना वो पैरामिड की हाइट फाइंड करनी है ठीक है जिसको हम स्लैंड हाइट भी बोलते हैं ना हाइट ऑफ पैरामिड यह हमने क्या करना है फाइंड करना है तो वही हम फार्मूला लिखेंगे क्या होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू वन नो वे थ्री बेस एरिया मतलब जो हमारे पास बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाई हाइट स्लैंडस अब देखें वालीम ऑफ पैरामीड आपको क्या आगे बनाएं फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब वन ओवर सॉरी कैलकुलेशन करते हुए यूनिट नहीं लिखते तो हम नहीं लिखते वन ओवर थ्री बेस बेस एरिया अब देखिए बेस आपकी कौन सी है पैरामीडर आपके पास ट्राइ एंगुलर है तो उसकी बेस किस टाइप की होगी एक ट्राइंगल टाइप की होगी अब ट्राइंगुलर टाइप जो बेस होती है जो तो ट्राइ एंगल का एरिया क्या होता है वन ओवर टू बेस मल्टीप्लाई हाइट पड़ा हुआ है ना हमने तो ये और स्लेंट हाइट ऐसा आ गई ठीक है फिफ्टी थ्री मल्टीप्लाई टू आपके पास क्या होता है सिक्स जबकि बेस आपके पास क्या है फाइव और हाइट कितनी है आपके पास एट ठीक है एस तो अब देखिए अगर मैं टू से काटूँ तो यहाँ पे थ्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर फिफ्टी और ये थ्री इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इधर हम क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई फिफ्टी मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू फाइव फोर आर ट्वेंटी एस एंड फिफ्टी मल्टीप्लाई थ्री आपके पास क्या होता है वन फिफ्टी वन फिफ्टी और ये ट्वेंटी इधर डिवाइड कर दें तो वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू एस जीरो जीरो से टू क्या है? 7 14 होता है सेवन टाइम फोरटीन होते हैं और पॉइंट जो वन बचेगा वो क्या बनेगा पॉइंट फाइव तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो हाइट है वो क्या है सेवन पॉइंट फाइव और हाइट इसका सिंगल यूनिट आएगा तो क्या आएगा सेंटीमीटर साथ आ जाएगा नेक्स्ट बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या है आपके पास द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्र बेस्ड अब बेस जो, जो पैरामीटर उसकी बेस क्या है स्क्ेयर टाइप की है स्क्र बेस पैरामीटर पैरामीडज 12 सेंटीमीटर मीन जो आपके पास हाइट है वो क्या है 12 और जो वॉल्यूम है वो कितने हंड्रेड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्र बेस तो हमने क्या फाइंड करनी है ये जो स्क्र बेस है उसकी लेंथ फाइंड करनी है ठीक है तो अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड क्वेश्चन नंबर है सेवनटीन एक्सरसाइज थ्री थ्री का आपके पास क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड ये आपके पास गिवन है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और जो हाइट ऑफ पैरामिड है पहले हम हाइट ऑफ पैरामिड पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया अब ये हमारे पास हाइट ऑफ पैरामिड गिवन है हमने लेंथ फाइंड किसकी करनी है जो स्केयर बेस है उसकी फाइंड करनी है तो हाइट ऑफ पैरामिड आपके पास क्या है हाइट ऑफ पैरामिड आपके पास गिवन है ट्वेल्व सेंटीमीटर फॉर्मूला आपके पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू वन ओवर टू सॉरी वन ओवर थ्री बेस एरिया मल्टीप्लाई स्लेंट हाइट एस ठीक है जो पैरामिड की हाइट होती है वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है हंड्रेड ये आ गया वन ओवर थ्री अब बेस एरिया क्योंकि वो स्केय टाइप बेस है तो जो बेस एरिया होगा वो क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होगा और मल्टीप्लाई एस हाइट जो आपके पास गिवन है वो कितनी है ट्वेल्व है थ्री वन टाइम थ्री फोर टाइम ट्वेल्व हंड्रेड इज इक्वल टू क्या आएगा फोर और लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या आ जाएगा एल स्क्र एल स्क्र इज इक्वल टू हंड्रेड ओवर फोर एंड एल स्क्र इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो एल इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा फाइव ठीक है और ये आपके पास जब स्केयर रूट मुकम्मल होते है तो आपके पास प्लस माइनस आ जाता है यहाँ पे हम प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो भी एरिया होगा वो नेगेटिव पे तो नहीं ना होगी उसकी लेंथ पॉजिटिव ही होती है तो ये हमारे पास लेंथ जो आपके पास स्क्वायर बेस है उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है फाइव और यूनिट किस में गिवन था मीटर में तो ये सेंटीमीटर में तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइव सेंटीमीटर ओके बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री अगर आपको कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आई आपकी कोई सजेशन है तो ज़रूर आगा कीजिए उससे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर से मिलेंगे तब तक के लिए अलाफिज़